हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत आर्यन और आज मैं घूमने आया हूं टिकारी राज का किला, यानी टिकारी का किला। आज मैं ये किला किला नहीं बोलेंगे, खंडर बोलेंगे, क्योंकि अब ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और कुछ दिनों के बाद इसका नामोनिशान शायद ही मिले। तो मैं आपको इस किले का रग रग से वाकिफ करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें या डिसलाइक करें, लेकिन करें ज़रूर, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आगे का प्रोग्राम आप कहाँ का देखना चाहते हैं। तो मैं अब इस जगह का आपको मुहैना करवाता हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, क्या नाम है जी जरा बताइए? रमेश कुमार। रमेश, ये है रमेश जी पटना से और आज हम दोनों मिल के धमाल मचाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। यह है मेन द्वार, किला का आने का द्वार। ये उधर से आए थे ना? हाँ। जी जी। ये हमारे पुराने जो धरोहर है, सरकार को चाहिए कि इसको मरम्मत करवा के इसको एक मतलब दार्शनिक स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाए, लेकिन सरकार की नज़र इस पर शायद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम जैसे लोग घूमते घूमते आएंगे और मस्त वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को ऐसे जगहों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन कमाल का जगह है ना ये, मस्त राजा रानी बिंदास इतने बड़े जगहों में रहते होंगे। भाई बच के यार, लेकिन एक बात है, जो पहले का जो ईंट होते थे, ईंट साइज 1 इंच और वे महज 5 इंच, ये टिकारी का किला पूरे टिकारी में टिकारी भर में है, लेकिन हम पूरा शायद शूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज बारिश का मौसम है, प्लस बारिश का मौसम है और प्लस थोड़ा सा जगह सेफ नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए कोई बात नहीं, ये ऊपर का है, ये इतना लंबा है। अब तो ग्रीनी ने, हरियालियों ने इस जगह पे कब्जा कर लिया है, लेकिन घूमने का बहुत ही दिलचस्प स्थान है। आते हैं, कसम से बताऊं तो मेरे को ग्रीनी बहुत पसंद है। हाँ वो अमड़ा है, खट्टा लगता है, पकने के बाद मीठा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। वाओ फक, बाप रे, बहुत ऊंचा है भाई, कसम से मेरा दिमाग खराब रहता है। और ये जो पीछे जो शहर दिख रहा है आपको, और वो पूरा पहले किले के अंदर नहीं आता था लोग, लेकिन लोगों ने अपना आवास बना लिया है। मम्मी डर लग रहा है, पहले ये गेट कौन सा?
अच्छा ये सब गेट था क्या? हाँ। ये सब के सब गेट था। लेकिन जितने भी हमारे पुराने जो धरोहर हैं, जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ कर गए हैं, जो अंग्रेज जो छोड़ कर गया है, जो भी है, सरकार को चाहिए कम से कम उसको मरम्मत करवा के यार, मतलब कुछ अच्छा नहीं करे, ताकि जैसे अभी हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे बाद जो जनरेशन स्टार्ट होगा, जो हमारे बाद जो लोग आएंगे, शायद उनको ये देखने को मिले। मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। ये जितना भी जो शहर है सब के सब वो किले के अंदर में आता था, बिकॉज अब लेकिन अब क्या है कि अब राजा रानी रहे नहीं हैं, उनके जो सुपुत्र लोग होंगे वो पता नहीं कहाँ हैं। सुनने में आया है इस किले पे अपने जो शत्रुघ्न सिन्हा जो स्टार हैं, शत्रुघ्न सिन्हा सर, वो कदों केस कर किए हैं। बात सही है जी? ओह ये है इसका बैक भाग, किले का सबसे पिछली हिस्सा, वो शायद मकबरा है। वो जो हिस्सा दिख रहा ना, वो यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे है। काफ़ी बड़ा हिस्सा है दिख रहा है, वो भी वो किला का हिस्सा है, लेकिन अब वहाँ से एक सड़क बना दी गई है जो शहर के बाहर की ओर जाती है। लेकिन किला किला होता है, कसम से मुझे बहुत डर लग रहा है। खैर मैं बहुत बचा बचा के मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे भैया इतनी खाई है। वो कहावत सुने ना आप लोग, एक तरफ खाई उधर और दूसरी तरफ खाई भैया किधर के जाई। भाई भागो, मुझे बहुत डर लग रहा है यार यहाँ से। पापा मुझे ये तो पार ना कर पाएंगे, हमसे ना होगा भैया। और भाई मजा, ये किला कहाँ तक फैला हुआ है कुछ बताओगे तो? अरे तुम्हें पता नहीं है? कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, कुछ दिनों के बाद किला खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वीडियो यूट्यूब हमेशा रहेगा। उस बंदे को कुछ पता नहीं है। भाई कुछ पता है यहाँ के बारे में? नहीं। अब हम निकलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि मुझे माहौल बहुत ख़राब दिख रहा है। भोले बाबा। अच्छा एक मिनट, राजा रानी चहल देखेंगे। ये जो सीढ़ी है किसी हॉरर पैलेस से कम दिख नहीं रहा है। मेरी बस चल तो मैं यहाँ पर एक हॉरर फिल्म बना दूँ। कसम से अगर मैं पूरा दिन इस किले में घूमूं, फिर भी शायद मैं पूरी चीज़ की तहकीकात में कर पाऊं या पूरा किला में घूम पाऊं। बाप रे ये बहुत ऊंचा है यार, मेरी तो फट रही है पहले ही से। देखो यार पता तो मुझे भी नहीं है,
वो रमेश भाई के बदौलत यहाँ पर आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कसम से हॉरर फिल्म की यार शूटिंग बहुत मस्त होगा। यहाँ आशिकों ने अपने नाम गुदवा रखे हैं। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को। दीवार पे कहीं भी आप कहीं भी हैं, चाहे आपके घर का गली हो, दीवार पे नाम प्लीज़ ना लिखें। किसी का भी हो, नाम नंबर वगैरह नहीं लिखना चाहिए। जो राजा के जो सैनिक लोग होंगे शायद इस विंडो से मुआयना करते होंगे, क्योंकि ये भाप कितना है, 1 मीटर चौड़ी ये दीवार है। इस किले की दीवार 1 मीटर से चौड़ी ज़्यादा ही होगा 1 मीटर से, क्योंकि मेरा पूरा हाथ आ जा रहा है। देखिए इस किले की जो दीवार की चौड़ाई है पूरे मेरे हाथ की लंबाई का, जबकि मेरा हाथ बहुत लंबा है, मतलब अप्रोक्स 1 से 1.5 मीटर ऊपर यार। अब घूमने के दौरान अब निकलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है। वैसे खिड़की यहाँ पर लगता है 3-4 मुझे दिख रही है खिड़की। भाई चलो अभी साइड भी एक तो रहा। शायद एक किले का है, ये बीच का हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही चौड़ा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ ग्रीनी ग्रीनी दिख रहा है और बीच में कुछ सूखे पेड़ हैं। ये जब किला बना होगा तो वाकई में बहुत ही अद्भुत होगा यार। देखो तुम उधर से आए थे ठीक ना, याद रखना भाई, भूलना मत। अब हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। ना मोटी दीवार है भाई, इतना कोई बम भी पड़ा तो ना गिरे। पीछे कर बस ये दरवाज़ा किले की बाहर की ओर जाता है।
इधर मुड़ते हैं, देखते हैं ज़रा क्या है। देखिए ये काफ़ी पुराना लकड़ी है, काफ़ी पुराना हम बोल नहीं सकते, लेकिन वाव गेट की लेकिन हाइट बहुत छोटी है, शायद नीचे का ज़मीन भर भर कैसा हो गया हो। अब चलते थोड़ा अंदर, देखते हैं क्या है। वो ये हमारे राजा साहब हैं, मतलब यहीं से निकलते थे राजा साहब। एग्जिट है क्या ये? हाँ। ये इस किले का शायद चौथा या पांचवा एग्जिट पॉइंट है, बाहर जाने का रास्ता, लेकिन यहाँ से लोग अब नहीं जाते क्योंकि अब राजा साहब नहीं है ना, इसलिए। अब ये है अब लोगों को मस्ती करने का जगह। हाँ अच्छा, पहले भी होता था भाई। टिकारी राज का किला, ये मेन गेट, मतलब मेन एग्जिट पॉइंट, हम लोग यहीं से अंदर आए थे। काश ये धरोहर टिकट से देखने को मिलता तो मज़ा आ जाता यार, मतलब बना हुआ होता। और ये अब तक जितना घूमे वो सब के सब अंदर में था, और ये सिर्फ बाहर का हिस्सा है। वाकई में कमाल की जगह है, क्या डिज़ाइन है। और ये है किले का मुख्य द्वार, इस किले का मुख्य द्वार, मतलब हम लोग अभी इसके अंदर थे, ये है बाहर। देखते हैं इसका एक दरवाज़ा उधर की ओर भी है, वहाँ रोड दरवाज़ा नहीं बोलेंगे उसको, द्वार। यहाँ की शहर कुछ ऐसी दिखती है। अब चलते हैं, ये इस किले का बाहरी का हिस्सा है, मतलब बाहर से ये कुछ इस तरह का दिखता है। आराम से चलना, चलते रहो चलते रहो, रुकना मत। चलो 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 चलो, मुख्य द्वार में घुस गए भैया। सीधा निकलो, चलते रहो रुकना मत। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया।